સમાચારમાં વાત કરીએ તો આજ રોજ વડોદરાના મોતીબાગ ખાતે પંડ્યા બ્રધર્સ આવ્યા હતા અને તેઓ દ્વારા અંડર 19 બીસીએ ખાતે ભારતીય ક્રિકેટરો જેઓ અંડર 19 રમી રહ્યા છે તેઓ સાથે ઇન્ટરેક્શન કર્યું હતું. આવનાર ભારતીય ખેલાડીઓ જેઓ અંડર 19 રમી રહ્યા છે તેઓને એક મોટિવેશનલ સ્પીચ પણ તેઓ દ્વારા આપવામાં આવી હતી અને તેની સાથે હાલ મેન્ટલ હેલ્થ એ ખૂબ જ જરૂરી છે તેવું પંડ્યા બ્રધર્સ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. હાર્દિક પંડ્યાએ તેવું નિવેદન આપ્યું હતું અને તેની સાથે તેમના જૂના અનુભવો જેવી રીતે તેઓએ ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે તેવો દ્વારા પણ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ક્રિકેટ, બટ ક્રિકેટ સે ઝ્યાદા બહોત સારી ચીઝે મેટર કરતી હૈ લાઈફ મે, જો આપકો અચ્છા ક્રિકેટર બનાતા હૈ તો વો સારી ચીઝે શેર કરના થા, ક્યુંકી મે ભી બરોડા કે લિયે અંડર 12 14 16 19 મેને ઓર હાથ, ક્યુંકી વન્સ આપકી સોચ અપને લાઈફ મે પોઝિટિવ હો જાતી હૈ ના, तो क्रिकेट तो कहीं ना कहीं यू विल गो फार. किसी ने बताया नहीं हाउ टू बी ऑनेस्ट, किसी ने बताया नहीं मेहनत करना, गधे जैसे मेहनत करता था मैं. किसी ने बताया नहीं मेरे को कि यार जेलेसी नहीं होनी चाहिए, किसी ने मेरे को बताया नहीं इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी ने बताया नहीं कि सही रास्ते से आप जाओ और आप अचीव करो और वो चीज़ लंबा दिखता है. सो नो वन टोल्ड मी, सो आई ऑलवेज कितना परसेंट स्किल है और कितना परसेंट मेंटल है, कोई भी जवाब देना बिंदास, नो वन इज जजिंग यार, ना कोई जज कर रहा है, कोई भी एग्जाम बताओ कितना मेंटल है. हाँ 80% है. हम लोग खाना सही से खाते, हम लोग सोते हैं, यूज योर ब्रेन इन अ राइट वे. समझ आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बिंदास क्वेश्चन कर सकता है, ये कोई लेक्चर वेक्चर नहीं दे रहे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग 20% इतना मेहनत करते हैं, 20% के लिए भी ये 100% है. कभी आप लोग ने सोचा यार 80% तो मेंटल है, हम लोग मेंटल के लिए क्या करते हैं, ये वन थॉट किसी ने सोचा नहीं. तो कमिंग बैक टू द अरे प्रोसेस है उसका, क्या आप कैसे हैं, जैसे मैं भी बहुत खराब इंसान था 22-23 साल तक, मेरा टिपिकल जाके अगर देख रहे हो कोई लड़का अकेला खड़ा है, ठीक है, आप उसको जाके मदद करके आ जाओ, मतलब मदद करो, उसको बॉल डाल के आ जाओ या उसको फील्डिंग प्रैक्टिस करा दो और आ जाओ, आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा. बिकॉज क्या होता है अपने बहुत बार जब आप किसी और कोई एक्सपेक्टेशन के बिना, ये बहुत छोटा चीज़ है, आप जाके किसी को भी मदद करो. और एक और चीज़ बोलता हूँ मैं, रात को मैं मेरे वाइफ हो गया या किसी और को भी, जब जब भी मैंने बहुत बार हेल्प भी किया और कितनी बार मैंने हेल्प किया लेकिन मेरा हार्ट नहीं था, तो मुझे तो मेरा कहने का मतलब है जब आप हेल्प करो ना किसी को भी दिल से करो. क्योंकि मैं बोलता हूँ एक चीज़ बोलता हूँ, आप शायद कोच को दिखाने के लिए या मुझे दिखाने के लिए या किसी और को भी या किसी को भी दिखाने के लिए आप कर दोगे, लेकिन आप मैं चेंज हुआ, पूरा चेंज हुआ, सब चेंज हुआ, एवरीवन चेंज हो, सब चेंज होते हैं, तो सबको एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा दे, कभी भी कोई कंक्लूजन पे मत आ जाना कि ये बंदा ऐसा है ये बंदा ऐसा है, क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिकली आप कंक्लूजन पे आओगे ना आपसे आप नेगेटिवली इन्वाइट कर देंगे. करो आपका वो कुछ भी हो सकता है, फैमिली सिचुएशन ला दो, आपका गोल ला दो या कोच का एक्सपेक्टेशन ला दो या किसी का भी कुछ भी ला दो, एक मोटिवेशन करो उसके पीछे, जान लगा के मतलब जाओ उसके पीछे, जब तक हो नहीं तब तक जाओ. क्योंकि मुझे पता है जब मिलता है ना तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, मुझे किसी का एग्जाम्पल भी लेने की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के लाइफ में हुआ. 2015 में कुछ नहीं था, मेरे पास 1 लाख रुपये भी घर पे नहीं थे, लेकिन मेरे 4-5 साल के बाद जितना मेरे पास आया उतना मेरे खुद ने नहीं सोचा, पर हर 15 दिन में और मैं थोड़ा एक ही चीज़ बात करते हैं कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे. ग्रेटफुल ग्रेटफुल रहना हमेशा लाइफ में, और हर हर बंदे से ग्रेटफुल रहो. मैंने अभी इंटरव्यू दिया उसमें एक जेन्यूनली जो मैं बोला वही मैं बिलीव करता हूँ कि जो मेरे साथ नहीं थे मेरे खराब टाइम में वो मेरे लिए मैं आई शुड बी उतना ही ग्रेटफुल जितना जो लोग मेरे साथ में थे. क्योंकि वो लोग अगर मेरे को रोकते नहीं तो मैं मुझे नहीं मेरी पोटेंशियल पता चलती कि मैं कहाँ तक पहुँच पा. कोई भी हो किसी को भी हो जिसने भी रोका नहीं रोका, लेकिन अगर वो अगर आपके लाइफ में, क्योंकि बहुत बार होता है ना कोई रोकता है तो ये होते हैं इसकी वजह से हुआ, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना अगर ये लोग आपको रोकेंगे नहीं ना तो आपको एक्चुअली अपनी पोटेंशियल भी नहीं पता चलेगी कि आप कितना और पुश कर सकते हो. तो कभी भी लाइफ में आपको लगे कि कोई रोक रहा ना वो उसको ही मोटिवेशन बनाओ, डबल मेहनत करो. एक चीज़ लिख के देखिए बताओ, कोई मायका लाल नहीं बना, कोई मायका लाल नहीं बना ना एसोसिएशन ना इंडियन क्रिकेट, कि आप अगर अच्छे प्लेयर हो अच्छे इंसान हो और आपने परफॉर्म किया आपको खिलानी चाहिए. नो वन इज बिगर देन यू, नो वन इज स्मॉलर देन यू, सिंपल मेरा फंडा है. मैं
बड़े को भी इतनी इज्जत देता हूँ, छोटे को भी इतनी इज्जत देता हूँ। वो चीज सिर्फ दिमाग को, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। रहो यार, बहुत बहुत प्यारी जगह है, मैं बोल रहा हूँ लाइफ बहुत प्यारी है, गर्मी है, सब सिखाती है, नीचे भी गिराती है मुझे, सब मेरा नीचे भी गिराया, मुझे ऊपर भी लाया है सब, लेकिन सब बैलेंस है। आप कैसे इंसान हो उसके ऊपर मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं और कुणाल हमेशा एक ही चीज़ लोगों को बोलता हूँ, इंसान अच्छा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितने मैंने क्रिकेटर देखे हैं जो टैलेंटेड, लेकिन इंसान अच्छे नहीं है, क्योंकि मतलब जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए नहीं मिला। दिमाग में वो रखो कि आप अच्छे इंसान बनोगे, कोशिश करो, आप लोगों को हेल्प करते हो, लोगों को कोई भी छोटी 10 बार मैं सेम चीज़ बोलूँगा, 10 बार ऐसा होगा कोच आपको रिमाइंड करेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव दिमाग बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, चाहे कोई भी कोई नेगेटिव दो लोग तीन लोग बात कर रहे हैं, अगर ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट कर कभी नहीं कर सकते, ऐसे भी वो जो नेगेटिविटी है आपका फायदा नहीं है, मूव आउट ऑफ इतना दिमाग वो आपको और मिलता है। 10 साल में यार इवेंट नहीं है, ये एक हमारा एक धक बनता है कि बच्चे जो है अंडर 19 के हुए, ये सीनियर प्लेयर है जो आज के दौर में खेल रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और हार्दिक और कृणाल तो अभी करंट खेल रहे हैं, और उनके लिए बड़ा मौका है बच्चों के लिए कि वो कुछ उनसे इनकरेजमेंट, कुछ टिप्स क्रिकेट के बारे में नहीं, बस ये जो आजकल का दौर है जहां प्रेशर ज़्यादा होता है बच्चों पे, पैसा आया है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उसको कैसे हैंडल करें लाइफ में, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि प्रेशर की वजह से बहुत कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं जो हमारे ज़माने में नहीं होती थी। तो एक एक इंस्पिरेशन, एक गाइडेंस और एक एडवाइस के अच्छे बुरे वक्त को कैसे हैंडल करना, ये जो बड़े स्टेज पे खेले हुए वही कर सकते हैं। तो मेरा एक जरिया है इनके थ्रू बच्चों को समझाने के लिए कि इस गेम से आप क्या सीख सकते हो, इस गेम को कैसे हैंडल करना, सक्सेस भी आता है फेलियर भी आता है, वो कैसे हैंडल करना। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्रिकेट जो गेम है ये आदमी को एक सीख देती है ज़िंदगी के लिए, और वो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हार्दिक और कुणाल ने ये जाहिर किया बच्चों के साथ कि क्रिकेट एक ही स्टेज है ज़िंदगी का, उसके आगे ज़िंदगी भी जीना है और वो कैसे हैंडल करना। तो कहीं ना कहीं ये उन पर एक असर होगा, एक अप्रोच अलग होगा, और अगर अच्छे इंसान बने तो अच्छे क्रिकेटर तो बनेंगे ही, तो उतना तो हमें लगता है। इसीलिए मैं ये कल्चर, मुझे लगता है ये कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है शेयर करने की, कोई भी हो, आज का क्रिकेटर हो या पहले का हो, फॉर्मर हो, अगर शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स, अपने इनसिक्योरिटीज, अपने फेलियर्स, अपने सक्सेसेस, तो कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा तो होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं बच्चे के दौर में आते हैं क्रिकेटर करके। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक नया दौर हो बड़ौदा क्रिकेट में, के सीनियर शेयर करें जूनियर्स के साथ।